हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रेडमी नोट 5 प्रो के न्यू अपडेट के बारे में। तो फाइनली रेडमी नोट 5 प्रो के लिए एम आई यू आई 10.3.2.0 का न्यू अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको इस अपडेट के टॉप 20 न्यू फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे हिडन फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, तो कहाँ पर आपको कौन सा फीचर मिलता है एंड कैसे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। साथ में हम इस अपडेट का फुल रिव्यू करने वाले हैं कि अपडेट करने के बाद डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है, कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है एंड पबजी को भी हम प्ले करके दिखाएंगे एंड बात करेंगे पबजी परफॉर्मेंस कैसी है। तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 1000 का, आई होप इससे ज़्यादा आप कर दोगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रेडमी नोट 5 प्रो में कोई भी न्यू अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो यहाँ पर गाइस अगर हम बात करें रेडमी नोट 5 प्रो के न्यू अपडेट के बारे में, तो अबाउट फोन में आप देख सकते हैं 10.3.2.0 का आपको लेटेस्ट MIUI वर्जन देखने को मिलता है। एंड सबसे पहला चेंज आपको मिल जाता है 5 अगस्त 2019 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल। तो अगस्त का महीना चल रहा है एंड अगस्त का ही सिक्योरिटी पैच लेवल प्रोवाइड किया गया है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों जो लास्ट अपडेट था रेडमी नोट 5 प्रो का 10.3.1.0 का, तो उसके लिए भी हमने 20 फीचर्स की वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद की थी, तो लाइक जरूर से इस वीडियो को भी कर दीजिए। गाइस अगर बात करें सेकंड न्यू चेंज के बारे में, तो सेकंड चेंज आपको मिल जाता है कैलकुलेटर ऐप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में ऊपर आपको लेफ्ट साइड में एक छोटा सा आइकन मिलेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है वो पॉपअप टाइप यहाँ पर छोटी सी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। तो PIP मोड जैसे आपको मिलता है सेम उस टाइप से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप इसका जो विजिबिलिटी है उसको आप कम यहाँ पर एंड इंक्रीज भी कर सकते हो एंड इसे कहीं पे भी स्क्रीन पर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये फीचर कमाल का है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट चेंज आपको मिल जाता है रिकॉर्डर में। तो जो आपके डिवाइस का जो रिकॉर्डर ऐप है तो उसके UI में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले आपको कुछ और आइकन यहाँ पर मिलता था, लेकिन रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए यहाँ पर अभी आपको टिक का ऑप्शन मिलता है। एंड जैसे आप रिकॉर्डिंग जो आपने की है उस पर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको UI में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर कर दिए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट चेंज आपको सेटिंग्स के अंदर ही लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में मिल जाता है। एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है लॉक स्क्रीन लॉक फॉर्मेट का। तो गाइस ये फीचर Xiaomi के जो बाकी नए डिवाइसेज हैं उनमें काफ़ी टाइम पहले मिल चुका है, लेकिन Redmi Note 5 Pro में नहीं मिला था। तो भी आप लॉक स्क्रीन पर जो क्लॉक फॉर्मेट है, अगर आप उसे मिड में चाहते हो, लेफ्ट में चाहते हो एंड बीच में अगर आप चाहते हो, तो उसे यहाँ पर मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। कुछ थीम्स में ये काम नहीं करता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन सी थीम को यूज़ करते हैं एंड प्रॉपरली काम कर रहा है या फिर नहीं। दोस्तों नेक्स्ट चेंज आपको मिल जाता है सेटिंग्स के अंदर ही। यहाँ पर आपको आ जाना है एडवांस सेटिंग्स में एंड सबसे नीचे एसेसिबिलिटी का ऑप्शन आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों डिस्प्ले साइज का जो UI है उसका UI में चेंजेस कर दिए गए हैं। लेआउट आप देख सकते हैं एक्सेस स्मॉल एंड लार्ज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप स्मॉल लार्ज पे अगर आप इसे शिफ्ट करोगे तो पूरा जो आपका स्मार्टफोन है पूरी की पूरी यहाँ पर लार्ज आइकन्स आपको मिलेंगे। लार्ज आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, नंबर्स के साथ आपको आइकन्स भी लार्ज मिलेंगे, तो हम इसे स्मॉल पर एडजस्ट कर देते हैं। एंड गाइस अगर आपको 50 रुपीज़ का पेटीएम कैश अर्न करना है तो एक वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ पर आपको वेबसाइट में साइन अप करना है एंड आपको साइन अप करते ही 50 रुपीज़ का पेटीएम कैश तुरंत आपके वॉलेट में मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड दोस्तों नेक्स्ट आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा गेम टर्बो मोड का। तो सिक्योरिटी में आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको गेम स्पीड बूस्टर पे आप क्लिक करोगे तो आपको गेम टर्बो मोड का ऑप्शन मिल चुका है। गाइस ये फीचर अगर आपका अभी तक Redmi Note 5 Pro में या फिर Redmi Note 7 किसी भी डिवाइस में अनेबल नहीं हुआ है तो आपको गेम स्पीड बूस्टर पे क्लिक करना है। नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद होम पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो वहाँ पर आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको हॉरिजॉन्टल पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप हॉरिजॉन्टल पर सिलेक्ट करोगे तो सिक्योरिटी ऐप को क्लोज करके दोबारा से आपको सिक्योरिटी ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइज आप देखोगे कि गेम स्पीड बूस्टर पे टैप करने के बाद आपका जो गेम टर्बो मोड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। एंड गाइज अगर आप पबजी गेम को यहाँ पर प्ले करोगे या फिर किसी भी गेम या फिर कोई भी एप्लीकेशन में गेम टर्बो मोड में ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऊपर कई सारे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे, मैसेजिंग का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, नेटवर्क सेटिंग्स का, व्हाट्सएप का, तो सब कुछ यहाँ पर ऊपर शॉर्टकट आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग्स में ही आपको डायग्नोज योर फोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा,
तो जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे गो पर एंड स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपके स्मार्टफोन के जितने भी सेंसर हैं सबको ये टेस्ट कर देगा कि कैसे आपके स्मार्टफोन के जो सेंसर है कैसे काम कर रहे हैं, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, वाईफाई, ब्लूटूथ यहाँ पर सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। एंड अगर आप अपने स्मार्टफोन को सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर कैसीफाई के साथ शाओमी का टाई अप है तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। एंड गाइज यहीं पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पे आप अगर क्लिक करते हो तो इसका जो यूआई है उसमें चेंज कर दिया गया है, आपको एक डिफरेंट यूआई देखने को मिलेगा, लेआउट आप देख सकते हैं। एंड अगर आप जाते हो यहाँ पर सेटिंग्स में एंड यहाँ पर बैटरी सेवर में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ये ऑप्शन आपको नहीं मिलते थे तो ये ऑप्शन अभी आपको मिल चुके हैं। तो बैटरी सेवर को आप अनेबल करोगे तो आपकी जितनी भी बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रन कर रही होगी सभी को एक किल कर देगा एंड जितना भी कैशे मेमोरी होगा सबको एक किल कर देगा, बैकग्राउंड में जो भी मतलब एक्टिविटीज़ चल रही है सबको एक किल कर देगा। एंड टर्न ऑफ वैन चार्ज तो अगर आप इसे अनेबल करना चाहते हैं तो इसे भी यहाँ पर अनेबल कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट चेंज आपको मिल जाता है यहाँ पर क्लोक में, क्लोक के अंदर आप देख सकते हैं जो इसका यूआई है वो आपको ब्लैक कलर का यहाँ पर थीम मिलती है। अगर आप इसको वाइट कलर में चेंज करना चाहते हो तो सेटिंग्स में आपको आ जाना है, बैकग्राउंड कलर पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वाइट, ब्लैक एंड ऑटो का ऑप्शन मिलेगा, तो वाइट पर अगर आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट पर जा चुका है। दोस्तों अगर बात करूँ कैमरा के बारे में तो सबसे पहले चलते कैमरा में एंड वीडियो में आगे हम और भी काफ़ी सारे न्यू फीचर के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। तो गाइस अगर हम बात करें कैमरा के बारे में तो सबसे पहले चलते वीडियो रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में, तो वीडियो क्वालिटी हम चेक करते हैं तो मैक्सिमम आप फुल HD 1080p 60fps तक की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो फुल HD 1080p 60fps है उसको अभी तक यहाँ पर स्टेबल नहीं किया गया है, इसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। 4K अगर मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जो फुल HD 1080p 60fps की जो क्वालिटी है वो आपकी यहाँ पर इम्प्रूव करनी चाहिए। Xiaomi को जो 30fps है वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। कैमरा मैंने यहाँ पर थोड़ा वो टेस्ट किया, अपडेट करने के बाद कैमरा में इंप्रूवमेंट्स हुई है, कैमरा की क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलती है इस अपडेट के साथ एंड कैमरा की जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल फास्ट यहाँ पर हो चुकी है। एंड दोस्तों अगर बात करूँ यहाँ पर कैमरा टू API के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सैंपल्स यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सैंपल्स आप देख सकते हैं कमाल की आपको इमेज क्वालिटी मिलती है, कलर्स भी आपको नेचुरल देखने को मिलते हैं। एंड गाइस आपको कैसी लगी कैमरा की परफॉर्मेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड गाइस अगर बात करूँ कैमरा टू API के बारे में तो यहाँ पर हम टेस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कैमरा टू API का ऑप्शन अनेबल देखने को नहीं मिलता है, सारे यहाँ पर रेड क्रॉस हो चुके हैं। अगर ये ग्रीन टिक होते तो आपको कैमरा टू API का ऑप्शन अनेबल देखने को मिलता। एंड गाइस अगर आप जाओगे यहाँ पर फाइल मैनेजर में तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे 3 lines देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव का ऑप्शन मिल चुका है। तो दोस्तों भी आप डायरेक्ट जो भी फाइल्स वगैरह है आप गूगल ड्राइव पर यहीं से अपलोड वगैरह कर सकते हो। अगर आपको ये फीचर नहीं मिला है तो प्ले स्टोर में आपको जाना है, प्ले स्टोर में जाके फाइल मैनेजर को आपको सिंपली अपडेट कर लेना है, आपका ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगा एंड ये फीचर आपको मिल जाएगा। एंड गाइस इस अपडेट के करने के बाद जो आपका वोल्टी का जो डिज़ाइन है स्टेटस बार में, आपको नेटवर्क्स के जो आइकन्स वगैरह थोड़े बहुत चेंजेस इसमें भी किए गए हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। एंड दोस्तों जिस भी एप्लीकेशन या फिर अगर आपके डिवाइस में जो फीचर मैंने बताए अगर वो आपको नहीं मिले हैं तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में आ जाना है, सिस्टम ऐप अपडेटर में जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस है सबको आपको सबसे पहले अपडेट कर लेना है, उनको अपडेट करने के बाद सारे फीचर आपको श्योरली यहाँ पर मिल जाएंगे। और गाइस अगर आपको कैलकुलेटर में जो मैंने पहले आपको फीचर बताया था स्मॉल विंडो पे ओपन होता है, अगर आपको ये फीचर नहीं मिला है तो उसकी अपडेट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो पहले आप कैलकुलेटर एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए तो उसके बाद ये फीचर आपको मिल जाएगा। गाइस अगर बात करूँ पबजी की परफॉर्मेंस के बारे में तो सबसे पहले हम पबजी गेम को ओपन कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्राफिक्स के बारे में तो अभी के लिए आप बैलेंस्ड ग्राफिक्स में से प्ले कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर ट्राई करोगे HD में तो HD का ऑप्शन अभी भी आपको यहाँ पर अनेबल देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप फ्रेम रेट लो एंड मीडियम फ्रेम रेट में हम ट्राई करते हैं तो बैलेंस्ड में अगर आप यहाँ पर प्ले करते हो तो आपको ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है पिछले अपडेट के मुकाबले, जो इस अपडेट में जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी यहाँ पर मिलती है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर दोस्तों आपका डिवाइस यहाँ पर लैग हो रहा है तो आपको यही सजेशन दूंगा कि एक बार अपने डिवाइस को रीसेट कर लीजिए,
आपका सारा डाटा इरेज हो जाएगा, लेकिन पहले डाटा का बैकअप ले लीजिए। उसके बाद गाइस जो आपकी जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले आपको बेटर मिलेगी, एंड जो आपके डिवाइस की जो बैटरी है वो भी थोड़ी सी इंप्रूव यहाँ पर हो जाएगी। एंड दोस्तों इसके अलावा अगर मैं कुछ बात करूँ और चेंजेस के बारे में, तो आपकी जो कैलेंडर एप्लीकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें भी कुछ यूआई में चेंजेस किए गए हैं। ये शायद पहले चेंज हुआ था या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन कैलेंडर एप्लीकेशन का जो यूआई है उसमें भी चेंज कर दिए गए। ये पहले कुछ अलग था लेकिन अभी ये कुछ अलग यहाँ पर हो। तो अगर आप जाओगे आपकी एम आई म्यूज़िक एप्लीकेशन में तो इसका लेआउट चेंज कर दिया गया है। किसी भी सॉन्ग या फिर कोई भी ऑडियो फाइल पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसका लेआउट आप देख सकते हो। ऊपर अगर आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो रिंगटोन एडिटर का आपका ऑप्शन यहाँ पर मिल चुका है। तो जितनी रिंगटोन मान लो अगर आप चाहते हो कि 20 सेकंड से लेकर 50 सेकंड के बीच में आप सिलेक्ट करना चाहते हो किसी सॉन्ग को, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसी को यहाँ पर सेट एज रिंगटोन पे क्लिक करके उसको रिंगटोन भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इसके लिए डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दोस्तों इसके अलावा आपको जो ऐप वोल्ट है उसमें चेंजेस कर दिए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ न्यू ऑप्शंस आपके ऐड किए गए हैं। एडवांस टूल का भी आप देख सकते हैं यहीं पर, आप ऐप लॉक वगैरह आपको शॉर्टकट प्रोवाइड कर दिया गया है, एंड क्लियर एंड फिक्स्ड वगैरह का भी यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप के स्कैनिंग के ऑप्शन भी प्रोवाइड किए गए हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जो भी ट्रेंडिंग की जो न्यूज़ है वो आपको बिल्कुल नीचे देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड गाइस अगर मैं बात करूँ कुछ और चेंजेस के बारे में, तो आपको आ जाना है सेटिंग्स में, एंड जो अबाउट फोन में आने के बाद आपके MIUI वर्जन पर आपको लगातार कई बार टैप करना है तब तक आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं हो जाता। उसके बाद गाइस आपको एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना है, डेवलपर ऑप्शन आपको ऑन हो जाएगा, एंड सबसे लास्ट में आपको टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन इसको ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर दो फीचर मिलेंगे मल्टीपल यूजर्स का, तो यहाँ पर आप मल्टीपल यूजर्स में यू में आप अपना जो मतलब नाम वगैरह वो आप डाल सकते हैं। एंड गाइस ऐड यूज़र पे भी आप क्लिक करके और अपने डिवाइस को सेकंड स्पेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो ये सेकंड स्पेस की तरह काम करता है। अगर आपको पता है सेकंड स्पेस के बारे में तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट आपको यहीं पे डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन अभी के लिए सही तरीके से काम नहीं करता है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर काम नहीं करता है। एंड दोस्तों कुछ यूजर्स यहाँ पर पूछते हैं कि क्या इस अपडेट में हम वाईफाई एंड हॉटस्पॉट को एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, तो गाइज आप देख सकते हैं अगर आप वाईफाई को ऑन करोगे तो हॉटस्पॉट ऑफ हो जाएगा, अगर आप हॉटस्पॉट को ऑन करोगे तो वाईफाई आपका यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों को एक साथ यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते हो, एक टाइम पे एक ही चीज़ को आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। गाइजर बात करूँ नेक्स्ट चेंज के बारे में, तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आ जाना है लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में। एडवांस सेटिंग्स में सबसे नीचे ऑप्शन आपको मिलता है पॉकेट मोड का, तो ये तो आपको पहले भी मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको स्मार्ट कवर मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों दोनों को आपको इनेबल कर देना है। तो इसका फ़ायदा ये है अगर आपने अपने डिवाइस को पॉकेट में डाला हुआ है तो कई बार यहाँ पर गलत टच हो जाता है एंड आपके जो स्मार्टफोन की जो लाइट है लॉक स्क्रीन की वो यहाँ पर ऑन हो जाती है, इससे आपकी बैटरी भी ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर आप इसे एनेबल करोगे तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर की हेल्प से काम करता है, तो तुरंत यहाँ पर अगर मान लो गलत टच भी हो जाता है एंड स्क्रीन ऑन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन यहाँ पर ऑफ हो जाएगी, जो कि यार काफ़ी अच्छा फीचर है। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स आपको इस अपडेट में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस अपडेट का सबसे बढ़िया फीचर कौन सा लगा है, एंड जिन यूजर्स को अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है तो 4-5 दिन आप वेट कर लीजिए, आपको जल्दी ये अपडेट मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए एंड सारे फीचर्स की डिटेल्स भी आपको मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।